नमस्कार, मेवाड़ मार्बल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश जैन, एंटरप्रेनर एंड बिजनेस कोच। आज के वीडियो का टॉपिक है जो बहुत लोग मेरे को फोन करके पूछते हैं, उसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया है कि मेरे घर में काम चालू है, मैं मार्केट में गया हूँ, मैंने बहुत तरह तरह की टाइल देखी है, जिसमें मैंने नैनो टाइल देखी है, पीजीबीटी टाइल देखी है, डबल चार्ज देखी है, पोर्सिलिन देखी है, जीवीटी देखी है, सुगर देखी है, डिजिटल देखी है, ऐसे बहुत सारे नाम मैंने सुने हैं। लेकिन अब मैं कन्फ्यूज हूं कि मुझे मेरे घर में कौन सी टाइल लगानी चाहिए। ऐसे प्रश्न मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं, और आप भी अगर घर बना रहे हैं तो और टाइल चूज करना है आपको, तो आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आ सकता है और आ रहा होगा शायद कि कौन सी टाइल अच्छी है वो लगाऊं। तो मेरा इसके ऊपर उत्तर है, यानी पिछले मैं 20 साल से इस टाइल इंडस्ट्री में हूं, उसके एक्सपीरियंस से बताता हूं। अगर आप घर में टाइल लगा रहे हैं तो आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि मेरा कहना है कि सभी टाइल अच्छी है। मैंने जो 20 साल पहले टाइल लगाई है, सभी तरह के उनको देखने के बाद ये फोन कर रहा हूं। मैंने बहुत घरों में जब मैं जाता हूं तो देखता हूं कितने साल पहले टाइल लगाई है ये, बोले कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 2 साल, ऐसा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सभी टाइल अच्छी है, यस। अब कौन सी आपको चूज करनी है घर के लिए, तो मैं बोलूंगा पहले तो आपका बजट कितना है, यानी आपकी जेब में पैसा कितना है, आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। बजट के हिसाब से आप देखिए, सबका रेट अलग अलग होता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये पीजीबीटी टाइल पड़ी है, ये डबल टाइल डबल चार्ज पड़ी है, वो नैनो पड़ी है, ये जीवीटी पोर्सिलिन पड़ी है, ये इस तरह से टाइल है। अब आपकी नीड क्या है, अगर आपको मैट फिनिश में जाना है तो आप पोर्सिलिन और जीवीटी में जा सकते हैं। पोर्सिलिन टाइल भी ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर होगी, लगने के बाद टूट जाएगी, ऐसा नहीं। अगर वो ऐसा होती तो वो कंपनी जो करोड़ों रुपए का प्लांट लगा के बना रही है वो बनाती क्यों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टाइल बहुत अच्छी है और कोई टाइल खराब है, तो टाइल सभी अच्छी है, लेकिन उसका जो उपयोग है वो उस हिसाब से वो उसके लिए बनाई गई है। जैसे घर के लिए सभी उपयुक्त है, कमर्शियल यूज के लिए हम लोग बोलते हैं उसमें आप डबल चार्ज लगाना चाहिए, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई पब्लिक शोरूम पब्लिक प्लेस हो गया, जहां पर लोग सूज पहन के आते हैं, वहां डबल चार्ज के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन घर में कोई सूज पहन के आता नहीं है, घर में कोई इतना ज्यादा पब्लिक घूमती नहीं है, तो उसके लिए टाइल सभी अच्छी है। आपको लगाने वाला मिस्त्री अच्छा चाहिए, आपका बजट कितना है उस हिसाब से डिसीजन लेना, और आपको डिजाइन कौन सी पसंद आ रही है। ऐसा है कि आपको डिजाइन अगर देखो, नैनो में बहुत डिजाइन कम होती है, एक ही कलर होता है, डबल चार्ज में डिजाइने बहुत कम होती है, डिजिटल में और पीजीबीटी में बहुत सारी डिजाइन होती है, तो जो आपको पसंद आ रहा है और आपका बजट सूट कर रहा है वो आप ले सकते हैं, कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। ये मेरा इस वीडियो का सार है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी बोलते हैं मेरे को, किसी ने बोला कि मेरे को एक किसी का यूट्यूब पे वीडियो देखा है, उन्होंने बोला है कि आप तो डबल चार्ज लगाओ सबसे मजबूत होती है। तो अगर डबल चार्ज सबसे मजबूत होती है तो क्या पीजीबीटी और नैनो कोई कमजोर होती है, मैं उनको पूछना चाहता हूं। नहीं, क्योंकि सभी विट्रीफाइड बॉडी है, ऊपर के सरफेस में जो ऊपर का जो ये पॉलिश एरिया है उसमें कम ज्यादा अलग अलग टेक्निक यूज हुआ है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप घर में अगर टाइल चूज कर रहे हैं तो आप लॉन्ग लास्टिंग और मजबूती और लगने के बाद सब एक सरी की होती है, आपको केवल अपनी डिजाइन और अपना बजट देख के फैसला कर लेना है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद में आपको ये कंफ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा कि हमें कौन सी टाइल लगानी चाहिए, और ये आप पूछेंगे नहीं बार बार। और दूसरी बात, ऐसे ही कंफ्यूजन और हैं, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मेरे लगातार वीडियो आ रहे हैं। तो आप उनको देखिए और उन लोगों को भेजिए जिन जो घर बना रहे हैं, और अगर अच्छा लगा तो उसको आप लाइक भी कीजिए।
तो देखते रहिए मेवाड़ मार्बल की वीडियो और अपना ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।